हम भी देखते हैं कि कैसे निभाती है। सारा उठाओ इसे यहां से जल्दी से और बिस्तर पे लिटा दो और ये सारा कमरा ठीक करो, जल्दी करो। जल्दी करो घसाला, जल्दी लिटा लो उसको। चलो आप चलो, I'll see you tomorrow. लगाओ मुझे, दूर हो जाओ मुझे, चले जाओ यहां से। इतने सारे मिस कॉल मैसेज, मैं अकेले में तुमसे खुल कर बात करना चाहता हूँ, वो सब कुछ कहना चाहता हूँ जो हमारे इस रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। तो प्लीज मेरे ऑफिस की कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाओ। इसका मतलब आहिल मुझसे बात करना चाहते थे, वो मुझे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। कहाँ है आहिल? 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 सच सनम, तुम बहुत किस्मत वाली हो और इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन ये किस्मत कब तक बहुत अच्छी रहेगी सनम? कल तो तुम्हें आहिल ने बचा लिया, लेकिन आज
आज तुम्हें कौन बचाएगा सनम? क्योंकि आज तो तुम्हारा आहिल सुबह सुबह कोहिनूर प्रोजेक्ट के लिए बाहर चला गया। वो आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है ना, इसीलिए। और अब ये घर, ये पूरा घर खाली। अब तुम क्या करोगे सनम? हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, चले जाओ यहां से। पापा आई एम सो सॉरी, माफ कीजिए मुझे, अब ठीक तो है पापा? पापा आप कैसे क्रॉस कर रहे हैं? अगर मैं ठीक से ब्रेक नहीं लगाता तो क्या हो जाता? मेरा वक्त आ जाता, और जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच के परेशान क्यों हो रहा है? ये पूरी दुनिया कल में जीती है, और गुजरे हुए कल को कोई बदल नहीं सकता, और आने वाले कल की परवाह करने से होगा भी क्या? जो हमारे हाथ में नहीं उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जिंदगी एक सफर जरूर है, लेकिन यहाँ होने वाले हर हादसे के पीछे अल्लाह की मर्जी छुपी है। कोई लाख कोशिश कर डाले लेकिन जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसी सोची गई है। कोई आता है और हाथ थाम कर जिंदगी को नए मायने दे देता है। मैं देख सकता हूं तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरा आज तेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। अपने गुजरे हुए कल की वजह से अपने आने वाले कल को बर्बाद मत कर। अल्लाह तुझे सलामत रखे। अल्लाह हो अल्लाह, काश कि इस वक्त हम तुम्हारा चेहरा देख पाते सनम। सच, डर की वजह से तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी होंगी, है ना? तुम यही सोच रही हो ना कि कल हमने तुम्हारा गला घोटा था, तो आज हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा से तुम्हारा गला घोट देंगे? लेकिन नहीं सनम, इससे भी बेहतर आइडिया है हमारे पास। हम तुम्हें ना पंखे से लटका देंगे। लेकिन नहीं नहीं, इससे आसान तरीका है हमारे पास। हम ऐसा करते हैं कि तुम्हें जहर दे देते हैं। लेकिन हमारा यकीन मानो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज कोहिनूर होटल की ओपनिंग सेरेमनी है, और तुम खुद अपने हाथों से उन कागजात पर दस्तखत करोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन उन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। ओहो, हम भी ना तुम्हें समझदार समझने की भूल कर बैठे। देखो ना, वो कहते हैं सनम कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तुम अभी तक हमें नहीं समझ पाए। हम अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। तुम समझदार भले ही ना हो सनम, लेकिन हम हैं, और एक बात हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है। इसलिए हम भी तुम पर एक उंगली तक नहीं उठाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी तुम हमारे इशारों पर नाचोगे। आज तुम सबके सामने न सिर्फ उन कागजात पर दस्तखत करोगे, बल्कि आहिल से भी करवाओगे। तुम यही सोच रही हो ना कि एक ही रात में हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का आ गया जो हमने सारा खेल ही पलट दिया, और ये दावा भी कर रहे हैं कि
तुम हमारी सारी बातें मानोगे? यही सोच रही हो ना? सोचो सोचो, इत्मीनान से जितना मन करे उतना सोचो, लेकिन हाँ, सोचने में अपना ज्यादा वक्त मत बर्बाद करना, क्योंकि अगर सेरेमनी शुरू होने से पहले तुम हमारे पास नहीं पहुंचे ना, तो हम तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा, ये देखो, ये तो मुझे लगता है और भी ज्यादा अच्छा है। लोग पागल हो जाते हैं ना खुशी के मारे, बस मेरा भी वही हाल है। समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। बताओ ना, बोलो सही, ये अरे अब मैं भी ना बोलती जा रही हूँ, ये तो बता ही नहीं रही कि मैं किस बात पर खुश हूँ। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे दिलशाद, बात ही कुछ ऐसी है कि मुर्दे में भी जान आ जाए। मैं तो कहती हूँ अगर तुम ठीक होती ना तो खुशी के मारे उछलने लग जाती, अरे नाचने लगती, पागल हो जाती। समझी ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझी? अरे मुझे तुम्हारी दूसरी पोती मिल गई है। सहर, देखा। मैंने कहा था ना कि मुर्दे में भी जान आ जाएगी, ये देखो। अरे इंसान जब दिल से कोई दुआ मांगता है ना तो अल्लाह कबूल कर ही लेता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुझे सारी खुशियां मिल जाए, बस इसीलिए उन्होंने शहर से मुझे मिलवा दिया। अब ये सब कुछ मेरा होगा दिलशाद, और इसको मेरा बनाने में मदद करेगी तुम्हारी पोती सहर। आज रजिया बेगम अपना ध्रुव का इक्का निकालेगी, ऐसी चाल चलूंगी कि बिल्लो रानी औंधे मुंह गिर पड़ेगी और उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसकी दुनिया हिली तो हिली कैसे। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी, क्योंकि आज मेरी किस्मत का तारा चमकेगा। किससे बातें कर रही हैं रजिया भी? जी कुछ नहीं, अपने से बात कर रही थी। दरअसल सोच रही थी कि आज जश्न में क्या पहनूं। बस रजिया भी, ये जो जश्न है ना वो VVIP और खास मेहमानों के लिए, आप जैसी नौकरानी के लिए नहीं। लेकिन आप फिर भी हम लतीफ से कह देंगे कि वहां का जो बचा कुचा खाना होगा ना वो आपके लिए ले आए। कम से कम आपको भी तो पता चले ना कि अच्छे खाने का जायका कैसा होता है। अब यार खुद से बातें करना बंद करिए और गाड़ी में सामान रखवाइए, जल्दी आइएगा। ऐसे तेवर देखकर तो अच्छा खासा इंसान गुनाह कर बैठे, फिर मैं तो मैं ही हूं।
इस बिल्लो रानी को बर्बाद करने में बहुत मजा आएगा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस काम को करने में तुम्हारी पोती तुम्हारी पोतियां तुम्हारी दोनों पोतियां मेरी मदद करेंगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? रजिया मेरी बच्चियों के साथ क्या करने वाली है? या अल्लाह रहम कर, कहीं मेरी बच्चियों की किस्मत एक दूसरे के साथ उलझ के ना रह जाए। आहिल मेरा फोन उठाइए प्लीज। क्यों नहीं फोन उठा रहे? इतने नाराज है क्या? ये पूरी दुनिया कल में जीती है और गुजरे हुए कल को कोई बदल नहीं सकता। जिंदगी एक सफर जरूर है, लेकिन यहाँ होने वाले हर हादसे के पीछे अल्लाह की मर्जी छुपी है। मैं देख सकता हूँ तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरा आज तेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। अपने गुजरे हुए कल की वजह से अपने आने वाले कल को बर्बाद मत कर। अमी को तब तक आ जाना चाहिए था। सनम, हर चीज मुझे ये इशारा क्यों कर रही है कि मुझे सनम के साथ होना चाहिए था। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, चले जाओ यहां से। उसने मुझे खुद से दूर किया, वो इसलिए क्योंकि पहले मैंने उससे दूरी बनाई थी। सनम तो मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। उसकी जगह और कोई लड़की होती तो कब का मुझे छोड़कर चली गई होती। लेकिन सनम तो वो लड़की है जिसने मुझे मेरी हर ऐप के साथ अपनाया है। सनम ने मुझ पर इतना यकीन किया और एक मैं हूं जो हमारे रिश्ते पर यकीन नहीं कर पाया। जिस रिश्ते को अल्लाह ने जोड़ा है उससे मैं तोड़ने की कोशिश भी कैसे कर सकता। मुझे सनम से माफी मांगनी है, मुझे उससे बात करनी होगी अभी इसी वक्त। सब बहुत नाराज है, एक बार मेरा फोन उठा ले। आहिल आहिल, हेलो। अल्लाह का शुक्र है आहिल आपने मेरा फोन उठा लिया। मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आहिल आपको पता है आपकी अम्मी? हाँ सनम बेटा बोलो। वो क्या है ना सनम, हमारी तारीफ करने के लिए बहुत वक्त बचा है। हम जानते थे सनम कि हमारे जाने के बाद तुम आहिल से बात जरूर करोगी, इसीलिए हमने आहिल का फोन अपने पास रख लिया। अब तुम आहिल से बात नहीं कर सकते। घर पे तो नहीं भूल गया? और वैसे भी सनम बेटा, तुम आहिल से बात करके करोगे क्या? हमारी शिकायत करोगी? आहिल तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो वही बात मानता है जो उसकी अम्मी उससे कहती। मुझे नहीं पता कि अम्मी की बात सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक सनम मेरे साथ है वो मुझे कुछ भी गलत नहीं करने देगी। वो बाबा सही कह रहे थे, मेरा गुजरा हुआ कल चाहे जैसा भी हो, अगर मेरे आज मैं सनम का साथ हो तो मेरे आने वाले कल का चेहरा बदल जाएगा। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, खुद को बदल सकता, लेकिन मैं सनम के बिना नहीं रह सकता।
जिंदगी में हर किसी को एक और मौका मिलता है, तो अल्लाह मियां क्या मैं अपने प्यार को एक मौका और नहीं दे सकता? फिर चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना ही क्यों ना पड़े।